असलम वे गोइंग टू स्टार्ट द एंडोक्राइनोजी मेडिसन जिसपे सबसे पहले जो हम पोर्शन करेंगे दैट विल बी ऑफ द थायरॉयड लैंड और इसको जो हम जो बुक प्रेफ़र करेंगे वो होगी हमारी क्या द uh, जो है स्टेप अप ठीक है इसमें हम इरफान मसूद जो है उस पर इतनी अच्छी जो एंड्रोक्राइनोलॉजी नहीं लिखी हुई और उस पर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है इस वजह से हम स्टेपअप को फॉलो करेंगे और जो डिविडसन के टेबल्स होंगे वो साथ साथ इन शह शेयर होते जाएंगे ठीक हो गया तो सबसे पहले थायराइड पोर्शन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने स्पेशल पैथोलॉजी में ऑलरेडी की थी कि सबसे पहले वी हैव द हाइपोथेमेस है था था आपको पता है उसमें से थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है और थायरॉड स्टिमुलेटिंग हारमोन जो होता है ये फिर थायराइड ग्लैंड में जाता है और वहाँ से हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं ट्री थ्री हारमोन एंड टी फोर हारमोन्स ये दोनों हार्मोन्स जो होते हैं फिर यहाँ के इसे फंक्शन प्ले करते हैं अब हमने ये देखना है कि जो टी एस एच है उसके क्या फंक्शंस होते हैं नॉर्मली और टी 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 थ्री और टी फोर के जो फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो क्या होते हैं तो जो टी एस एच होता है उसके तीन फंक्शंस होते हैं हमने डिस्कस किए हुए हैं कि एक तो ये थायरोयड हार्मोन्स की सेंथिसिस करवाता है जब ये थायरोड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है उसके ऊपर इसके रिसेप्टर्स पड़े होते हैं फॉलिकल्स के ऊपर वहाँ पे जाके जब ये एक्ट करता है तो उनमें से T3 और T4 हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इसके अलावा इंक्रीज़ करता है ये थायरॉयड फॉलिकल सेल्स के साइज़ और नंबर को ठीक है मीनस को थायरोड फॉलिकुलर सेल्स हैं जो कि आपको ये वाले दिखाई दे रहे हैं ये हमारे थायरॉयड फॉलिकल सेल्स हैं इनके ऊपर जो है ये इनके साइज़ और नंबर को इंक्रीज़ करता है हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो थायरॉयड ग्लैंड का साइज़ होता है वो इंक्रीज हो सकता है वो कब इंक्रीज होगा जब उसकी एक्सेस अमाउंट हो जाएगी ठीक है जिसको हम गोइटर भी कहते हैं अगर टी एस एच बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग स्टिमुलेशन करता जाए करता जाए करता जाए तो एक स्टेट आती है जिसको हम गोइटर कहते हैं जिसमें इन्ार्जमेंट ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड हो जाती है तो टी एस एच के तीन फंक्शन होते हैं टी थ्री टी फोर हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उनके साइज और नंबर को इंक्रीज करता है और उनकी जो इलार्जमेंट करता है थायरॉयड ग्लैंड की जिसकी वजह से गोइटर की कंडीशन आ सकती है फिर आते हैं हमारे हॉर्मोन्स के फंक्शंस टी थ्री और टी फोर हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस प्ले करते हैं तो सबसे पहले तो ये हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं ये हमारी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं ये हमारे हार्ट रेट को स्टिमुलेट करते हैं इसके अलावा ये हार्ट की कंट्रैक्शन को ज़्यादा करवाते हैं इसके अलावा ये प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की जो सेंथिस होती है उनकी हमारी बॉडी में ज़्यादा करवाते हैं इसके अलावा ये कोलेस्ट्रोल और ट्रा, जो टैग्स होते हैं उनको डिग्रेड करते हैं इसके अलावा ये हमारे जो है वो सिंपथैटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा करते हैं मतलब कैटाकोल मीनस जो है, उनके हैं उनके रिसेप्टर्स को ज़्यादा करवाते हैं जिसकी वजह से सिम्पथैटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होती है बॉडी में इसके अलावा क्या करवाते हैं ये वाइटमिन रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ करवाते हैं तो एज अ होल ये सारे इनके फंक्शंस हैं अब हाइपरथायरायडिज्म की जब स्टेट होगी ऑब्वियसली ऐसी बॉडी के अंदर हार्ट रेट वगैरह ज्यादा हो जाएगा तो टैकी कार्डिया की स्टेट आ जाएगी सिंपथैटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके सारे जो है मतलब जो उसके फीचर्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे सिंपथैटिक स्टिमुलेशन के ये हमारा जो है मेन होता है इसका तो ये बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं हार्ट फंक्शन को ब्रेन डेवलपमेंट करवाते हैं बॉडी वेट को बैलेंस में रख रहे होते हैं और बोन मेंटेनेंस कर रहे होते हैं लेकिन एक खास हद तक लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे बहुत कम हो जाएंगे फिर हमारी बॉडी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगी ऑब्वियसली जो टी फोर होता है इसका दूसरा नाम थायरोक्सिन होता है और टी थ्री जो होता है इसको हम ट्राई आइडो थायरोन कहते हैं अब हम कुछ डेफिनेशनस देख लेते हैं रिवाइज कर लेते हैं एक स्टेट होती है हाइपर थायरडिज़म हाइपर थायरडिज़म सिम्पली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो टी थ्री और टी फोर के हारमोन्स की लेवल्स हैं वो बॉडी में ज़्यादा हो गए हैं उसको हम हाइपर थायरडिज़म कहते हैं फिर आती है थायरोटॉक्सिकोसिस कोसिस हाइपर थायरिडिज़म की वजह से जो हमारी बॉडी में मेटाबोलिक मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेज आना शुरू हो जाती हैं एक आना शुरू हो जाती है उसको हम कहते हैं उस स्टेट को थायरोटॉक्सिकोसिस फिर आता है कि उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं थायरोटॉक्सिकोसिस कोसिस की वजह से वो क्या क्या होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं लाइक हमारी बॉडी में हीट इंटॉलरेंस स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है थर्स्ट होती है डिस्निया होता है वैपिटेशन होते हैं हार्ट हाँ, टेगी काटिया हो जाता है वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं ग्रेज ऑफ़ थर्मोबैथीन सबको हम डिस्कस करते हैं हाइपो क्या होता है जिसमें टी थ्री और टी फोर के हॉमोन्स के लेवल्स कम हो जाते हैं ठीक है और फिर एक गोइटर की स्टेट आती है गोइटर हमने पढ़ा था कि जब टी एस एच का काम ज़्यादा हो जाता है तो जब हाइपर थायरडिज्म होता है तो उसमें हमारा ग्वाइटर होता है इलार्जमेंट ऑफ द थायरोड ग्लैंड ठीक है जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है तो ग्रेवस डिजीज में जो हमारा थायरॉयड ग्लैंड की इलाजमेंट होती है वो डिफ्यूजली होती है मतलब कि पूरा का पूरा ग्लैंड इस तरह से डिफ्यूजली इलार्ज करता है दिस इज इन केस ऑफ ग्रेवस डिजीज ठीक है लेकिन एक और स्टेट होती है मल्टी नॉड्यूलर गोइटर उसके अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं उसमें डिफ्यूजली इलाजमेंट नहीं होती लेकिन एक हमारा डिफ्यूज इलार्ज होता है गोइटर वो ग्रेवस डिजीज में होता है और हैशी में भी डिफ्यूजली इलाज करता है और इसके अलावा जो हमारा होता है मल्टी नोड्यूलर गोइटर उसमें इस तरह की स्टेट आ रही होती है स्टेप अप से इसको एक दफा हम रीड कर लेते हैं सबसे पहले हमारा आता है डिजीज ऑफ ग्लैंड में हाइपर हाइपर थायरडिज़म मैंने आपको बताया कि जिसमें टी थ्री और टी फोर के हार्मोन्स के लेवल ज्यादा हो जाएंगे और उसकी वजह से जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आएंगी उनको हम कहेंगे थायरोटॉक्सिकोसिस ठीक है जब टी थ्री टी फोर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके रिस्पॉस पे उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि नेगेटिव फीडबैक जाएगा हमारे पीचूट्री ग्लैंड को वहां से टी एस एस का लेवल कम हो जाएगा ये हम इसकी लैब फाइंडिंग्स में देखेंगे फिर आते हैं इसके कॉजेज़ कॉजेज़ कौन कौन से हाइपर थायरडिज़म जिसमें टी थ्री और टी फोर के लेवल, लेवल ज्यादा हो जाते हैं उसमें ग्रेव्स डिजीज आता है उसमें प्लमर डिजीज आती है उसमें हमारा जो है टॉक्सिक थायरोड एडिनोमा हो सकता है उसमें वी हैव द हैशी मोटो थायरॉयडाइटिस एंड सब्रेलोलोमैटिस थायरोडाइटिस ठीक है अच्छा अब जो है आता है सबसे पहले ग्रेव डिजीज़ ठीक है ग्रेवस डिजीज़ जो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजली एक टॉक्स टॉक्सिक गोइटर होता है ठीक है डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर मतलब पूरा का पूरा इलाजमेंट जो मैंने आपको डिफ्यूज दिखाया था वो इसमें होता है इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ़ हाइपर थायरिज्म एटी ऑफ ऑल केसेज जो होते हैं ग्रेव्स डिजीज़ के होते हैं अभी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ठीक है इसमें होता क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम रिवाइज़ कर लेते हैं जो हमने पैथोलॉजी में देखा था कि थायरॉइड स्टिमुलेटिंग जो है हमारी इम्यूनोग्लोबिल्स होती हैं आई जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारे थायरॉयड फॉलिकल्स के ऊपर जाकर लगती हैं ठीक है और वहाँ से थायरॉयड जो हॉर्मोन्स होते हैं टी थ्री उनकी अमाउंट को ज़्यादा कर देती हैं ये ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं ये कोई टी एस एच हद नहीं है ठीक है दीज आर द ऑटो एंटीबॉडीज़ स्टिमुलेट द टी एस एच रिसप्टर्स एंड रिजल्ट रिजल्टेंटली क्या होगा देर विल बी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायरॉड हार्मोन्स टी थ्री एंड टी फोर दूसरा क्या है थायरॉयड ग्रोथ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हम्यूनोगोग्लोबिल्स हैं ये क्या कर रही है कि जो थायरॉड के फॉलिकल्स के सेल्स हैं उनकी प्रोलिफ्रेशन कर रहे हैं उनकी हाइपरप्लेजिया ठीक है नंबर इंक्रीज़ करवा रहे हैं सो दिस विल रिजल्ट इन द गोइटर कंडीशन ठीक है फिर इसके अलावा जो है कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इन्हेबिट भी कर रही होती हैं वो हमारी होती हैं ऐशी बोटों के अंदर ठीक है so, सो इसका मैगानिजम फैक्शन यही है इसकी पैथोलॉजी में कि ऑटो एंटीबॉडीज़ है जो हमारे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं कहाँ पे थायरॉयड सेल्स फॉलिकुलर सेल्स उनके ऊपर जाके बाइंड कर रही हैं उनको स्टिमुलेट कर रही हैं और रिजल्टेंटली जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ हो रही है टी थ्री एंड टी फोर की तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बाइंड्स टू द बाइंड्स टू द टीएसएच रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ थायराइड सेल्स एंड ट्रिगर्स द सेंसेस ऑफ एक्सेस थायरोड हॉमोन्स ठीक है और ये किन में होती हैं जो भी ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं हमने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है कि वो हमारी यंगर वुमेन के अंदर ज़्यादा कॉमन होती हैं क्योंकि और दूसरी ऑटोम्यूट डिसऑर्डर्स के साथ जो है ना ये आ, 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 हमारी कॉमनली एसोसिएटेड होती हैं जिसमें फॉर एक्ज़ाम्पल टाइप वन डायबिटीज़ है जो कि ऑटो इम्योन डिजीज़ है इसके अलावा जो एनीमिया है जो कि ऑटो इम्यूनिटी गेंस का इंट्रेंसिक फैक्टर होता है हमारा और वाइटमिन बी ट्वेल्व की डिफिशेंसी आना शुरू हो जाती है उनके साथ ये एसोसिएटेड होती है क्योंकि ये भी ऑटो इम्यो डिजीज है और वो भी ऑटोम्यो डिजीज है उसके अलावा जो है हम बात करें अगर तो ये हमारी लेस देन फिफ्टी एज में कॉमन होती है इसकी फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है क्योंकि एक जेनेटिक लिंक भी हो सकती है डिजीज़ प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा कॉमन है प्रेगनेंसी की जो फीमेल्स होती हैं प्रेगनेंट फीमेल्स उनके अंदर ये जो है ग्रेवस डिजीज़ बहुत कॉमन है इसके अलावा स्ट्रेस ठीक है मतलब कि स्ट्रेस हो जाए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ग्रेवस डिजीज़ जो होती है ना वो मैनिफेस्ट करती है लाइक स्ट्रेस स्टेट हो जाती है इसके अलावा इन्फेक्शन ठीक है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं इन्फेक्शन स्ट्रेस ठीक है उसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उस सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम और ओवर एक्टिव हो जाएगा उन केसेस में स्ट्रेस के केसेस में इसके अलावा जो स्मोकिंग होता है वो भी इसका रिस्क जो होता है वो ज़्यादा कर रहा होता है तो हम इसके ट्रीटमेंट लेंगे ले तो हम बताएंगे कि हमने पेशेंट की स्ट्रेस को रिलीव करना है उसके इन्फेक्शन को ट्रीट करना है उसकी जो स्मोकिंग है उसको उसको ख़त्म करवाना है ठीक है इस तरह से आ जाएगा फिर दूसरी स्टेट आती है प्लमर प्लमर डिजीज ठीक है इसका ये वो वोलीफ जो कि हमने डिस्कस किया था मल्टी नोड्यूलर गोइटर ठीक है जो मल्टी नोड्यूलर था इसके अंदर भी जो है ये भी थायरोटॉक्सिकसिस कॉस कर सकता है तो इट इज़ करेक्टराइज बाई हाइपर फंक्शनिंग एरियाज दैट प्रोड्यूस हाई टी टी थ्री एंड टी फोर लेवल्स जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब कि कुछ कुछ एरियाज हैं मतलब ये मल्टी नोड्यूलर है नोड्यूल्स बने हुए हैं जो कि टी थ्री टी फोर रिलीज करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं लेकिन उसमें टी एस एच का अपना कोई नहीं है कि टी एस एच कुछ भी नहीं कह रहा वो भी नॉर्मल अमाउंट में ना था लेकिन ये नोड्यूल्स बन के जो है टी एस एच के लेवल्स डिक्रीज कर देते हैं और टी थ्री टी फोर को प्रोड्यूस करते जाते हैं एज अ रिज़ल्ट रेस्ट ऑफ द थायरॉयड इज़ नॉट फंक्शनिंग ठीक है बाकी सारा जो थायरॉयड होता है क्योंकि टी एस एच हो नहीं है, होता नहीं है बाकी सारे जो थायरॉयड का हिस्सा होता है वो सारा एट्रोफी हो जाता है ठीक है उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो हमारा कॉज है हम जो थापरसाइडिज़म का दैट इज़ एडिनोमा ठीक है कोई भी हमारा जो है वो एडिनोमा है बिनाइन ट्यूमर ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड जो कि सिंगल छोटा सा नोड्यूल बना होता है एक है डिफ्यूज क्वाइटर ठीक है एक है मल्टी नोड्यूलर जो कि प्लमर में आता है प्लमर डिजीज में आता है और तीसरा है एक एडिनोमा छोटा सा नोड्यूल बना हुआ है टॉक्सिक एडिनोमा और वो जो है ना टी थ्री टी फोर को रिलीज करता जा रहा है जिसकी वजह से हाइपर थायोडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है फिर होता है हैशिमोटो हशिमोटोथायरोटाइटिस और सब एक्यूट थायरोटाइटस ये दोनों जो है थोड़ी देर के लिए हाइपर थायरिडिज्म कॉज करवाते हैं इसको हम इस इनके टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये हाइपर थायरटिज्म कॉज करवाते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए बाद में ये हाइपोथायरोडिज्म की तरफ जाते हैं ठीक है फिर दूसरे काजेज़ इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं जिसमें भी आता पोस्ट पार पार्टम थायरोडाइटिस मीन्स के प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद जो थायरोडाइटिस हो जाता है इसके अलावा आयोडीन की वजह से आयोडीन क्योंकि थ्री टी फोर हार्मोन्स को ज़्यादा करवाती है तो उसकी वजह से हो सकता है इसके अलावा आइट्रोजेनिक कॉज है कि कोई पर्सन जो है वो वो जो है थायरॉयड मतलब ऐसे ड्रग्स ले रहा है जो कि थायरॉयड के हार्मोन्स को ज़्यादा कर रही है ठीक है सो आर द कॉजे इसमें से आपको आनी चाहिए छोटी मोटी कॉजेज़ लेकिन जो आपने याद रखनी है वो तीन याद रखनी है ग्रेव्स डिजीज़ प्लमर डिजीज़ और आपकी जो है वो टॉक्सिक थायरॉयड एलिनोमा तो ये थी हमारी कॉजे ऑफ फाइबर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे क्लिनिकल फीचर्स में देखें सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट आपके पास किस तरह से आ सकता है तो ऑब्वियसली uh, हाइपरथाइडिज्म की स्टेट है मैंने आपको बताया उसमें तो उसमें सिम्पथैटिक स्टिमुलेशन एक तो ज़्यादा हुई होगी तो उसकी वजह से नर्वसनेस होगी इंसॉमिनिया मतलब सोया नहीं जा रहा उसको नींद नहीं आ रही होगी इरिटेबिलिटी हो रही होगी ट्रेमर्स हाथ के बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे ट्रेमर्स हो रहे होंगे एक्सेसिव स्वेटिंग होगी बिकॉज ऑफ द सिम्पथैटिक एक्टिविटी हीट और इंटॉलरेंस होगी वार्म मॉइस स्किन हो जाएगी वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा बिकॉज मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज हुआ हुआ है और जी आई टी मोबिलिटी भी ज़्यादा हुई होती है इसमें ठीक है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है और इसके अलावा पैल्पिटेशनस होती हैं जो हमारी टेकी रिदमियाज हैं हार्ट की जो है टेकी कार्डिया की वजह से और मसल वीकनेस मसल वीकनेस में प्रॉक्सीमल मसल वीकनेस होती है इन इस तरह से लोग ज़्यादा आते हैं कि जो है हॉस्पिटल्स की तरफ के डॉक्टर साहब ये जो मेरा हाथ है ना ये काम नहीं कर रहा मैं जो है कंगी करने लगती हूँ ठीक है कॉम्बिंग हेयर के वक्त जो है जब मैं बालों में कंघी करने लगती हूँ तो मेरे हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं ठीक है सो दिस इज़ द केस इसके अलावा आप नोट करेंगे पामर एरिदिदमा रेडनेस हुई होगी इसके अलावा फाइन सिल्की हेयर हो गए इन लोगों के और uh, मैंस्ट्रल इेगुलरिटीज़ होंगी जिसमें ओलीगो मिनोरिया है और uh, इसके अलावा मतलब बहुत ज़्यादा कम मैंने हो जाएंगे इसके अलावा ऑस्ट्रो है ठीक है मतलब कि बिल्कुल बोन्स की खराबी होना शुरू हो जाएगी हाईपर केलेसीमिया क्योंकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इन लोगों में ज़्यादा हो जाती है फिर हम बात करते हैं साइंस की ठीक है तो साइंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने ग्रेव्स डिजीज़ पढ़नी है क्योंकि वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो साइंस में हम अगर बात करें तो थायरोड ग्लैंड जो है जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया डिफ्यूजली लार्ड होगा सिमेट्रिकली नॉन टेंडर होगा इसमें दर्द नहीं होगी क्योंकि ये कोई इन्फ्लामेशन नहीं है थायरॉडाइटिस के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उसमें जो है वो दर्द हो रही होती है ब्रूई हो सकती है ब्रूई में हमने जो थायरॉइड एग्जामिनेशन की थी जनरल जीपीई के अंदर बेड साइड पे तो हमने वो थायरॉयड ब्रूई को जो है वो ऑस्कल्टेट भी किया था स्टेप से ठीक है फिर जो बाकी होते हैं जो सब एक्यूट थायरोडाइटिस होता है वो थोड़ा सा एक थोड़ा डिफ्यूजली ही होता है लेकिन वो टेंडर होता है मैंने आपको बताया थायरोडाइटिस में टेंडर होगा फिर प्लमर डिजीज़ है और हाशिमोटो जो होता है उसमें जो है वो इरेगुलर सा होगा इसमें ट्रिक होगा मल्टी नोड्यूलर तो हमें समझ आ जाएगी कि ये गोइटर जो है ये कौन सा है अगर तो डिफ्यूज होगा तो ग्रेव्स होगी अगर मल्टी नोड्यूलर होगा तो हम प्लमर विंसन की तरफ जाएंगे या हैश मोटो की तरफ जाएंगे और अगर टेंडर होगा दर्द उड़ी हो रही होगी तो हम सभी क्यों थायरोडाइटिस की तरफ जाएंगे सिंपल सी बात है फिर एक्स्ट्रा थायरोडाइटल मतलब दूसरी चीज़ें जो हमने नोट करनी है तो तीन चीज़ें जो है ना वो आपकी ग्रेव्स डिजीज की करैक्टरिस्टिक होती है सबसे पहली क्या है कि उसकी जो है डिफ्यूज़ गोइटर हुआ होगा उसको डिफ्यूजली लार्ज दूसरा क्या है उसको एक्जोफल मॉस हुआ होगा उसकी प्रॉप प्रोसेज हुई होगी आपको पता है वो जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मतलब आँखों के पीछे ठीक है रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यूज़ हो होते हैं उनमें गैस की प्रोडक्शन मसल्स की प्रोडक्शन एडिपोज टिश्यूज़ की प्रोडक्शन फैट्स की वो वगैरह वगैरह प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से जो आँखें होती है वो आगे की तरफ आ जाती है प्रो प्रोसेस हो जा हो जाता है ठीक है सो एग्जॉप्थल मॉस होगा इसके अलावा क्या होगी ठीक है डर्मोपैथी ठीक है डिफ्यूज गोइटर एग्जॉफ एंड डर्मोपैथी अगर आपसे पूछे कि वॉट आर द फिजिकल साइंस ऑफ द गोइटर ऑफ द ग्रेव्स डिजीज तो आप तीन लिखोगे एक तो डिफ्यूज गोइटर होगा दूसरा ये कि डर्मोपैथी होगी तीसरा ये कि जो है वो एग्जॉफलमोज होगा डर्मोपैथी में जो चीज़ होती है वो क्या होती है प्री टीबीएल मेगजटीमा ठीक है सो so, आइज़ में प्रोक्टोसिस है कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स में वो सब कुछ टेकी कार्डिया है और एट्रियल फिब्रिलेशन इसकी मोस्ट कॉमन है मतलब कि जो इन लोगों में हो जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन और फिर हम उन लोगों की ट्रीटमेंट करते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन की क्यों क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से थ्रामबो इंबॉलिज़म का रिस्क होता है तो फिर हम उनकी ट्रीटमेंट करते हैं हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट जो है वर्फेरिन होता है वर्फ्रिन और इसके अलावा हम साथ में बीटा ब्लॉकर्स भी देते हैं हार्ट रेट को कम करने के लिए और आ, जो है इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं एफिप को इसके अलावा जो है इनका बीपी भी एलिवेट होता है स्किन चेंजेस में मैंने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री डीबील मिक्जी डिमा ये आपका यूक्यू भी है हम यूक्यूज भी डिस्कस करेंगे ये जो डर्मोपैथी होती है ये भी हमारे जो म्यूकोपोलियोसैक होते हैं उनकी एक्यूमुलेशन की वजह से होता है इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं ये ज़्यादातर तो यंगर पेशेंट्स में होती हैं जबकि जो कार्डियोवास्कुलर मैनिफेस्टेशंस होती है हार्ट की वजह तो ओल्डर में होती है लेकिन इसका ऐसा नहीं है न्यूरोलॉजिकल में जो है ट्रेमर्स वगैरह हम नोट करेंगे ठीक हो गया अब हम इसकी करते हैं डायग्नोसिस और इसकी ट्रीटमेंट ठीक है फिर इसके बाद हम इसके ऐसे डिस्कस कर लेंगे डायग्नोसिस में सबसे पहले जो डायग्नोसिस का लेवल होता है वो हम ये टी थ्री और टी फोर के लेवल्स करवाते हैं और टी का लेवल करवाते हैं तो ऑब्वियसली इन लोगों के अंदर क्योंकि हाइपर है तो टी थ्री टी के लेवल जो है वो ज्यादा होंगे अगर तो प्राइमरी है प्राइमरी मीन्स थायरॉयड लैंड खुद टी थ्री ज़्यादा रिलीज करे टी थ्री टी फोर की वजह से नेगेटिव फीडबैक जाएगा हमारी को तो टी लेवल जो है वो कम हो जाएगा तो ऐसे लोगों में टी हमारा जो है वो कम होता है विच इज़ द इनिशियल टेस्ट ऑफ चॉइस और टी ए टी टी फोर के लेवल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं ठीक है इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट होता है डैट इज़ रेडियो एक्टिव थायरॉयड जो है ना रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक ठीक है क्योंकि आपको पता है कि जो थायरोड फॉलिकल सेल्स होते हैं उनको आयोडीन मिलता है तो वो टी थ्री टी फोर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं तो जब हम इन लोगों के अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन देते हैं तो वो जो टी थ्री टी फोर की प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है इस वजह से टी जो आयोडीन को ज़्यादा अपटेक कर रहे होंगे क्यों क्योंकि उनको टी थ्री टी फोर ज़्यादा बनाना है तो टी थ्री टी फोर क्योंकि वो ज़्यादा बना रहे हैं तो उनको आयोडीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक जो होगी इनकी इनकी ज़्यादा हो जाएगी ठीक है तो रेडियोटिव आयोडीन अपटेक ज़्यादा होगी इसके अलावा जो हम ग्रेव जी जिसमें करवाते हैं चौथी चीज़ ठीक है आफ्टर टी एस एच लेवल टी थ्री टी फोर भी हमने करवा लिया रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक बिक्र वाली जो कि ज़्यादा थी इसके अलावा हम इतने ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ है इस वजह से हमें यहाँ पे जो ऑटो इम्यूनिटी की जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो ज़्यादा मिलेंगी जिसमें हमारी थायरॉय स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन टी इनका लेवल ज़्यादा होगा इसके अलावा एंटी थायरोग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है इसके अलावा एंटी माइक्रोजोमल एंटीबॉडीज़ का लेवल ज़्यादा हो सकता है तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन होगी इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन में आप लिखोगे वो ये लिखोगे हम अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाएंगे थायरोड ग्लैंड का ये चेक करने के लिए कि कहीं वो सिस्ट तो नहीं है अगर सी अगर हम मिलिग्नेंसी को कंसिडर कर रहे हैं तो हम सी स्कैन करवाएँगे अगर हमने कोई ट्यूमर ये जानना है कि वो बेनाइन है या मिलिग्नेंट है तो हम एफनैक बायोप्सी करवाएंगे और इसके अलावा हमने अगर एक्सटेंशन चेक करनी है ट्यूमर की तो हम एक्स रे करवाएँगे थोड़ा से किन लट एक्स रे और इसके अलावा ई सी जी ठीक है ई सी जी क्यों क्योंकि कार्डिक मैनीफेस्टेशन है हम चेक कर रहे हैं कि कहीं पेशेंट को ए तो नहीं हो गया तो उसके लिए हमने उसकी ए सी जी नोट करनी है ठीक है तो क्या क्या है इन्वेस्टिगेशन में अब रिपीट कर लेती हूँ डायग्नोसिस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल टी एस एच लेवल दैन द टी टी ट्री फोर लेवल्स टी एस एच आपको क्या मिलेगा जो है कम मिलेगा टी थ्री टी फोर आपको ज़्यादा मिलेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक आपको ज़्यादा मिलेगी वो जब टेस्ट करवाओगे इसके अलावा आप जो एंटीबॉडीज़ को चेक करवाओगे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटी एंटी थायरोग्लोबुलिन और एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज़ और इसके अलावा ये बाकी आपकी यहाँ पर आ जाती हैं कि अल्ट्रासाउंड स्कैन सी टी स्कैन एफनेक थोरेसिक इनलेट एक्सरे एंड ई सी टी ठीक हो गया इसके बाद जो इसकी ट्रीटमेंट है और इसके जो यू कीूज़ हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं